नोएडा आज 47 साल का हो गया है। इस खास मौके पर नोएडा में 3 दिन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नोएडा के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन NRI और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंत्री नंदी ने आला अधिकारियों के साथ मिलकर केक काटा। कार्यक्रम के बाद नोएडा पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रस्तुतिकरण किया गया। सेक्टर 91 के पंचशील बालक कॉलेज में समारोह के दौरान मंत्री नंदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने नोएडा शहर की तारीफ करते हुए कहा कि नोएडा शहर उत्तर प्रदेश का मुकुट है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के वक्त नेताओं की हवस दिखाई देती है। बताते चलें कि नोएडा 17 अप्रैल 1976 में प्रशासनिक अस्तित्व में आया था, इसीलिए आज के दिन नोएडा दिवस मनाया जाता है। नोएडा प्राधिकरण देश के सबसे अमीर नागरिक निकायों में से एक है। कहेंगे कि हिंसा का इस देश में किसी तरह से कोई स्थान नहीं है। हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटा गया है और सख्ती से निपटा जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक मिसाल कायम की है, जो उसने भी हिंसा करने की कोशिश की है, दंगा करने की कोशिश की है, दंगाइयों को माफियाओं को कठोर से कठोर सजा दी गई है। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी हैसियत रखता है या कोई ऐसी हिम्मत रखता है कि उत्तर प्रदेश में दंगा करेगा। योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। नोएडा मैं तो ये कहूँगा जैसे भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर एक मुकुट की तरह है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की मुकुट की तरह नोएडा है। आज लगभग 108 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए और इंडस्ट्री के लिए। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, खास तौर से नोएडा में इंडस्ट्री चलाने वालों को, इंडस्ट्रीज़ को और यहाँ रहने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली हिंसा पे क्या बोलेंगे सर? कार्यों को 6 महीने के कार्य को और 2 साल और 5 साल आपने महसूस किया, आपने देखा है। और जो राजनीति चली आ रही है उसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त उनका सत्ता का लोभ, सत्ता का लालच, सत्ता की हवस दिखाई पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।